गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग द चैप्टर यूजिंग द वेस्ट। इसमें हमने पढ़ा कि वी शुड नॉट थ्रू द रबिश दैट क्रिएट्स पोल्यूशन टू डायरेक्ट एनवायरनमेंट, मतलब हमें उसको डंप नहीं करना चाहिए। वी शुड रिमैन्युफैक्चर इट, रिसाइकल इट एंड रीयूज इट। इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। एक तो पोल्यूशन कम हो सकता है, पेपर के रीयूज हम वृक्षों की कटाई रोक सकते हैं, और हमने पढ़ा कि रिसाइकलिंग इज नॉट वेरी कॉस्टली। वी शुड टेक द रबिश गार्बेज टू द इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेड एंड अगेन वी कैन सेंड सप्लाई टू द कस्टमर। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा कि बॉटल्स का रिकवरी 50% ऑफ द ग्लास हम बचा सकते हैं, दैट दीज कंट्रीज नीड। इन ब्रिटेन 12% इज रिकवर्ड एंड इन इंडिया यूज बॉटल्स आर सोल्ड विच आर देन रीयूज। हमने पढ़ा कि बॉटल्स जैसे ग्लास है उसको रिमैन्युफैक्चर करके हम 50% जो डेनमार्क वाले देश है 50% ग्लास को बचा सकते हैं। इस ऐसा करने से हम बच्चों क्या करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को है ना, जो हमारे रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, उनको हम प्रिवेंट रख सकते हैं और हमें एनवायरमेंट में पोल्यूशन होने से भी रोक सकते हैं। हमने पढ़ा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर, पेपर मिल्स, अगर हम दोबारा वही पेपर पल्प वहां पर पहुंचा दे तो वी कैन सेव द ट्रीज। ठीक है, मैनी कंट्रीज हैव स्टॉप्ड इम्पोर्टिंग न्यूज पेपर पल्प फॉर देयर पेपर पल्प, इंस्टेड दे इम्पोर्ट वेस्ट पेपर पल्प। बहुत से कंट्रीज ने क्या किया है, दूसरे कंट्रीज को निर्यात करना बंद कर दिया पेपर पल्प, उनको वेस्ट भेज देते हैं ताकि दे रिपल्प इट, मेड द पल्प एंड देन गेट द पेपर। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक स्क्रैप्स हमने पढ़ा, प्लास्टिक स्क्रैप्स बहुत ही हार्मफुल है, वो भी रिसाइकल हो सकते हैं, शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो हिट्स रिसाइकलिंग इज नॉट सिंपल, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग उतनी सिंपल नहीं है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हार्मफुल है। अब इसी चैप्टर में पढ़ा कि अगर हम प्लास्टिक बैग को जमीन में फेंक देते हैं वो वहां पर डंप होने के बजाय वैसा ही निकलेगा आफ्टर 500 इयर्स, तो इसके बहुत से वर्स इफेक्ट्स है। ये हमारी धरती को बंजर बना देता है, पानी को, वाटर ड्रेन्स को ब्लॉक कर देता है, वाटरवेज में इसमें केमिकल्स निकलते हैं जो पॉइजनस होते हैं, दैट आर वेरी हार्मफुल टू हेल्थ। और अगर हम इसको जला देते हैं बच्चों प्लास्टिक को, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर देता है, रिलीज एयर में, तो वो बहुत ही इसे हमें प्लास्टिक का तो यूज बहुत कम करना चाहिए, लगभग ना के बराबर हमें अवेयरनेस चलानी चाहिए अपने घरों में, हर एक जगह जहां भी इसका यूज होता है, कि इसके बदले इसको रिप्लेस करके वी शुड यूज जूट बैग्स, वी शुड यूज पेपर बैग्स, और बिकॉज ये बहुत ही हार्मफुल चीज है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो इसको भी हम अगर कोई भी जब भी हम मिनिमम इसका यूज करते हैं तो उसको भी रिसाइकल करें, ना कि यहाँ वहां फेंके। फिर लास्ट इम्पॉर्टेंट है मेटल्स का, जो कि हमें आज पढ़ना है। मेटल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड इजली। द कार दैट यू ओन और अ कार ऑन अ रोड विल कंसिस्ट पार्टली ऑफ अर्लियर कार्स दैट हैव बीन स्क्रैप्ड एंड रिसाइकल्ड इनटू द न्यू स्टील एंड अदर मटेरियल। इन इंडिया एफर्ट्स आर ऑन टू री यूटिलाइज एंड रिसाइकल द वेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स। इंडिया में क्या एफर्ट लगाए गए हैं, री यूटिलाइज करना और रिसाइकल वेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं, जिसमें ये जो वेस्ट है रिसाइकल और रीयूज होता है। फिर इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री द नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट NERI एट नागपुर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डेवलपिंग सूटेबल टेक्नोलॉजीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। जैसे नीरी है इंजीनियरिंग, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसोर्स, वो इसमें लगा हुआ है कि नई टेक्नोलॉजीज, नई तकनीक बनाए जिससे इसका वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सके। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन एग्रीकल्चर आफ्टर प्योरीफाइंग इट। वन प्योरीफाइंग प्लांट इन गुजरात इज एबल टू ट्रीट 450,000 liters ऑफ वेस्ट डेली। 450,000 liters को वो डेली ठीक कर देता है, मतलब प्योरीफाई कर देता है, एंड जनरेटिंग एनर्जी इक्वल टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय 10 tons ऑफ कोल। और उसके द्वारा वो बिजली भी उत्पन्न करता है 10 tons के कोल से जितनी इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। बट दिस इज नॉट एनफ, हमें और भी कठिन स्टेप उठाने चाहिए ताकि हम जो हमारे घरों से वेस्ट वगैरह आता है
उसको रीयूज कर सकते। देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट वी डू नॉट रीयूज येट। अभी भी हमारे घरों से, हमारे फैक्ट्रीज से, वहाँ से वेस्ट निकलता है जो हम यूज नहीं कर पाते। आवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, हमारी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है फॉर फास्ट रेट, बट आवर रिसोर्सेज एस्पेशली द नेचुरल आर वेरी लिमिटेड। लेकिन हमारे रिसोर्सेज बहुत कम है, वो दिन ब दिन डिग्रेड होते जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें नेचुरल रिसोर्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें वेस्ट को रीयूज करना है और रिसाइकल करने के बाद उसको प्रॉपरली यूज करना है। वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट आवर रिसोर्सेज व्हेन देयर आर मीन्स एंड मेथड्स अवेलेबल टू रीयूज। तो ऐसे में हमें सचेत होना है, जागरूक होना चाहिए कि हमें रिसोर्स को बचाना है। तो इसके लिए हमें जो वेस्ट है उसको हमारे पास तरीके है, हमारे पास उपाय है, मीन्स एंड मेथड्स अवेलेबल टू रीयूज द रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल नॉट ओनली सेव अस मनी। रिसाइकलिंग हमारे पैसे नहीं बट ऑल्सो हेल्प द एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट। इससे हमारा जो वातावरण है वो भी दूषित नहीं होता है। यू नो 3 R's ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, दीज आर हमें रिड्यूस, मीनिंग लेट्स मिनिमाइज अवर वेस्ट इनपुट। सबसे पहले हमें वेस्ट ही कम करना है। रीयूज, डोंट यूज एंड थ्रो, हमें यूज करके फेंकना नहीं है बट कि हमें उसको दोबारा यूज करना है। रीयूज वट एवर यू कैन। रिसाइकल थिंग्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल शुड बी रिसाइकल्ड। और रिसाइकल में हमें जो भी पेपर वाला गंद निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, ग्लास, मेटल, उसको रिसाइकल करना चाहिए, कन्वर्टेड टू फ्रेश रॉ मटेरियल। ऐसा करने से हम अपने रिसोर्सेज को प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो इन रिसाइकलिंग वी विल सेव अवर लाइव्स फ्रॉम हजार्ड्स ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण की समस्या भी हम कई हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। इफ इट वुड आल्सो मीन सेविंग अवर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो बच्चों ये था चैप्टर रीयूजिंग द वेस्ट। यू शुड राइट अ पैराग्राफ एंड अपलोड ऑन द LMS। आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो जिसमें हम आप रीयूजिंग के फायदे और ये कैसे होता है वो लिख सकते हो बच्चों। तो इस तरह से हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।